अच्छा आप वो सब चीजें छोड़ दें, मैं भी सुरेश रायना का देख रहा था, एक इंडियन वेबसाइट पे चल रहा था, अबाउट पाकिस्तान इंडिया, मोहतरम ने जो है वो 6 टीमों में भी पाकिस्तान को सेमीफाइनल के नहीं पहुंचाया। ओ भाई इतना तासुब ना करो यार, हमारे भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं करता, चाहे वसीम अकरम को सुन लो, वकार को, आकिब को, रमीज, जिसको भी, कोई अभी ऐसा नहीं कहता कि जी इंडिया कभी, अभी नहीं। एक मिनट, एक मिनट, पहले तो एक मुझे बताएं आप वसीम अकरम, वकार, यूनिस और इंसान, इन सब के सामने सुरेश को कहां काउंट कर रहे हैं? वो एक तो सुरेश वो अलग नहीं है, अक्सर ना ना बहुत से ऐसे नहीं, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा तासुब रखते हैं और ये अब शुरू हो गया है। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट, मैं हूं साथिया साहब सर और मैं हूं फवाद मुस्तफा। मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश और बड़ा नपातुला मेरे ख्याल में बैट किया आज बांग्लादेश ने, 245 इज नॉट दैट वेरी बैड, बट व्हेन द फर्स्ट विकेट वेंट डाउन फॉर न्यूजीलैंड तो हमें ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि शायद पाकिस्तान की टीम खेल रही है और हमें होप्स हुई कि शायद आज कोई अपसेट भी हो सकता है। असल में देखिए पाकिस्तानी जिस नजर से मैच देख रहा होता है ना, वो हर मैच पे ही समझ रहा होता है कि शायद कोई, वो बड़ी तैयारी से आते हैं, बड़े बड़ी बेहतर टीमें हैं, वो हमारी तरह नहीं है, वो इतना ऐसे नहीं चल रहे होते कि यार बस कुछ हो जाएगा। But let's give a hand to Kane Williamson की class as well. वो आराम से सुकून से मैच को लेके, टीम इस किस्म की है, जब वो नहीं था तो भी आराम से जीते, जब वो था तो भी सुकून से जीते, तो इस मैच में जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। अच्छा मुझे एक बटन मिसिंग लग रहा है न्यूजीलैंड में इस दफा, पैनिक बटन, इट्स मिसिंग, बहुत सुकून से खेल रहे हैं भाई जान। न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीतने वाली जैसी हरकतें कर रही है, है ना? अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही वेल डिजर्विंग होगा, बहुत ही वेल डिजर्विंग होगा। डिजर्विंग नहीं होंगे, पाकिस्तानी नहीं होगा। नहीं नहीं, आप तब बात करेंगे जब इंग्लैंड 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 को, जब क्योंकि आपने कहा था इंग्लैंड सबसे फेवरेट है और ये है। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान की क्या बात की आपने, पाकिस्तान कैसे भूल गई आप? क्या अभी हमारा इंडिया से मैच नहीं हुआ है, आप जो चाहे पाकिस्तान के बारे में कह सकते हैं। पाकिस्तान इज देयर ऑलवेज, हां हम वैसे बात करें अदरवाइज। अच्छा वो सब, लेकिन इससे पहले हम आगे जाएं, हम जरा टर्निंग पॉइंट पर इस मैच की बात करें फिर आगे चलेंगे। बांग्लादेश अगर आज का मैच जीत जाता तो वर्ल्ड कप और इंटरेस्टिंग हो जाता। जी हाँ, आज मैच था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का और ऐसा लग भी रहा था कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड में से बांग्लादेश जीत जाएगा और 250 रन का टारगेट कर दिया, 240 रन। इस पिच पे चेजेबल नहीं थे, डिफेंडेबल थे, बहुत इजीली डिफेंड कर सकते थे, लेकिन टर्निंग पॉइंट वहीं पर आया जब आपने रविंद्र को आउट करा, उसके बाद आपने विकटें नहीं ली। अगर आप विकटें ले लेते, लगातार विकटें गिर रही होती बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश 2-3 और विकटें गिरा देता तो न्यूजीलैंड टीम जो है प्रेशर में आ जाती। शुरू में वो प्रेशर में थी भी, जब रविंद्र आउट हुए ना, स्कोर नहीं किया था, 10 ओवर में 37 रन थे, आई थिंक वहाँ पे 1-2-3 विकटें और ले लेना न्यूजीलैंड को बैकवर्ड पर कर देता। आपको पता है इस पिच पे बांग्लादेश जो है बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली खेलती रही है, एक ही सेम कंडीशन होती है, सिमिलर कंडीशन होती है एशियन पिचेस पे, चाहे वो बांग्लादेश की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए या पाकिस्तान की बात की जाए, श्रीलंका में भी सेम कंडीशन होती हैं, तो आप इस कंडीशन से वाकिफ़ हैं। आपको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी लेकिन उस तरह की बॉलिंग नजर नहीं है। टर्निंग पॉइंट यही आया कि जब रविंद्र आउट हुआ, जब विलियमसन वापस आए क्रिकेट बैटिंग करने और दो मैचेस में नहीं खेले थे, जिस तरह की आज खेले हैं, आई थिंक बता दिया कि भाई वो टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ऐसी पिचेस पे अगर मैच फंसा हुआ हो तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और कितनी अच्छी तरीके से अपनी टीम को बैक करके उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा आप वो सब चीजें छोड़ दें, मैं भी सुरेश रायना का देख रहा था, एक इंडियन वेबसाइट पे चल रहा था, अबाउट पाकिस्तान इंडिया, मोहतरम ने जो है वो 6 टीमों में भी पाकिस्तान को सेमीफाइनल के नहीं पहुंचाया, अफगानिस्तान ने करा दी। ओ भाई इतना तासुब ना करो यार, हमारे भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं करता, चाहे वसीम अकरम को सुन लो, वकार को, आकिब को, रमीज, जिसको भी, कोई अभी ऐसा नहीं कहता कि जी इंडिया कभी, अभी नहीं। एक मिनट, एक मिनट, पहले तो एक मुझे बताएं आप वसीम अकरम, वकार, यूनिस और इंसान, इन सब के सामने सुरेश को कहां काउंट कर रहे हैं? वो एक तो सुरेश वो अलग नहीं है, अक्सर ना ना बहुत से ऐसे नहीं, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा तासुब रखते हैं और ये अब शुरू हो गया है। मैंने कभी इंडियन क्रिकेटर्स में, आप जो 83 की जो पूरी चैंपियन टीम है उसमें आप देखें, उनमें ये कतई तासुब नहीं है। अरे हमने अभी इसी शो में बहुत तासुब, इसी लपाड़ा के अंदर हमने बोला, मैंने कई दफा बोला है कि MS धोनी जैसा कैप्टन हमने नहीं देखा, तो हम तो तारीफ करते हैं, खुल के करते हैं, फिर क्या मसला है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम? और तारीफ करने से मसला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ज्यादा तकलीफ होती अच्छा है भाई, वो अच्छा है रिगार्डलेस, मुझे ज्यादा तकलीफ इस बात की भी होती है कि अगर कोई पॉलिटिकल सिनेरियो है तो दोनों कंट्रीज की तरफ दोनों जाने बना, अगर हम उस प्रेशर को नहीं लेते तो आप क्यों लेते हैं? क्या आप लोगों से कहा जाता है? मुझे तो ये पॉलिटिकल प्रेशर लगता है, तो आप पे कोई प्रेशर नहीं है, ये जबरदस्ती की एक अपने अंदर का दिखाना है कि अगर मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करूंगा तो मैं बड़ा प्रो इंडिया लगूंगा। ये अकेले नहीं है, ये तो फिर इंडिपेंडेंट आपका एनालिसिस ना हुआ। पठान भी इनमें ऐसे हैं और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो सिर्फ अपनी मोहब्बत अपने मुल्क से बताने के लिए, जो जायज, जिस जो डिजर्व करती है टीम, जिस किस्म का उसको तारीफ बनती है, वो भी नहीं करते।
ये बड़ी शर्म की बात है, ये स्पोर्ट्समैन है, बाकी आम बंदा करे कोई फिक्र नहीं होती, उसका कोई ताल्लुक है स्पोर्ट्समैन। अच्छा चले मान लीजिए कि यही अगर एक ये एक सादा सा मुद्दा है ना, तो मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ भी नहीं था, लेट्स से कुछ भी नहीं था, तो जो दीगर एनालिस्ट है या दूसरे जो कमेंटेटर्स हैं दुनिया के, और जिन्हें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड, वो तारीफ कर रहे होते हैं पाकिस्तानी बैटर्स या बॉलर्स के। इयन मॉर्गन का भी आपको बता दूं, वो ही पाकिस्तान की बात कर अभी, रहा अभी है, रिसेंटली अभी बात कर रहा है, बाकी शेन वॉटसन है वो कह रहा है, कितने सारे प्लेयर्स में नाम गिना दूं जो ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं बल्कि पाकिस्तान जीत भी सकता है, यहां तक की बात हो रही है। हम यहाँ बैठ के खुद अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच है हम बात करें, नहीं इंडिया फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान अगर इंडिया प्रेशर में आया और पाकिस्तान सरप्राइज दे फेवरेट, हम इंडिया को ही कह रहे हैं, तो ये इस तरह से ना बात होती, मजाक हंसी अपनी जगह चल रहा होता है। दो आदमी पाकिस्तान में, माजिद खान अल्लाह उनको जिंदगी दे, इसी तरह बिशन सिंह बेदी, यार इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट लोग बहुत से और भी हैं, लेकिन ये जो है ना ये टॉप पे है। हाँ, मैं बेदी साहब को मैं सीरियसली बहुत मिस करता हूँ कि वो इस काबिल नहीं है, आजकल बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी पुरानी वीडियोस लगा लगू कि इतना कुछ सीखने को मिलता है जिंदगी के बारे में, तो भाई जो ऑनेस्ट होता है उसको लोग पसंद करते हैं दोनों तरफ बल्कि पूरी दुनिया में, तो आप ऑनेस्ट बने, ये शॉर्ट टर्म एडवांटेज लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए अगर आप इस किस्म की सोच लेके आएंगे, हम लोग इतना साफ सोचते हैं जका अशरफ साहब को डिनर ऑफर हुआ, वो डिनर भी करेंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है इस डिनर से, वो देखे खाएंगे पिएंगे, हम यहाँ से बैठेंगे, वो वहां जाके एंजॉय करेंगे, कितना अच्छा करेंगे ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जाके वो वाला गाना नहीं याद आ गया, कौन सा? ए, क्या बोलती तू, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, हाँ, खंडाला जाए हमारी तरफ से, हमें क्या प्रॉब्लम, ऐश करेंगे और क्या, तो ये यही वाला है, और वो गए भी मुझे लग रहा है इसीलिए, और क्या हो सकता है। मुझे ये बात बताएं, वो टीम से क्या मिलके बात करना चाहते हैं, उनको उनको खेलना नहीं आता, उन्होंने जाके बैट पकड़ना सिखाना है, क्या बात करनी है जका अशरफ ने टीम से, मैच से पहले भी, पाकिस्तान से भेजने से पहले भी, फिर एक मैसेज भी किया, सब करेंगे, क्यों करेंगे भाई? हमारे लोगों में ना प्रोफेशनलिज्म की शिद्दत से कमी है, चाहे वो ये हो चाहे फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, सिर्फ समझाना नहीं, अकल की बात होती है, दुनिया की कोई भी टीम होती है ना, ये तो हमारा ये होता है ना, यार मैंने उससे फोन पे बात की है, मैंने समझाया, भाई कौन हो तुम समझाने वाले, वो क्या अकल से पैदल है, प्रोफेशनल है, पैसे ले रहा है, इतने अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है, आप क्यों समझा रहे हो? अभी मेरी रिसेंटली बात हुई, मैं आकिब जावेद से बात कर रहा था कि भाई शाहीन और उसके वाले से कह रहे हैं, मुझे भी लोगों ने कहा मैं क्यों बात करूं, मतलब मैं शाहीन को क्यों हेल्प करूं, उसकी टीम मैनेजमेंट है, सही है, वो उसके अंडर काम कर रहा है, वहां पर है, वो कभी लाहौर कलंदर से लाहौर का मैच नहीं खेल रहा, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, प्लानिंग होगी, उसके थ्रू काम कर रहा है, मैं बीच में कूद पड़ूं और मेरे को जबरदस्ती का मशवरा जो उल्टा और नुकसान पहुंचाए, तो जो टीम तरीका ये होता है जिस टीम में आप खेल रहे होते हैं, और ये सिर्फ आगे भी मैं बच्चों को बता दूं कि भाई आप अगर पाकिस्तान टीम के साथ आके कराची की टीम से खेल रहे होते हैं, सिंध की टीम से, तो जो उसकी मैनेजमेंट है उसको फॉलो करें, अपने अपने अब्बुओं को और चचाओं को और कोचेस को फोन करके ना मशवरे लिया करें, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है उसके अंडर रह रहे हैं और उसके अंडर रहते हुए आप काम करें, ये तरीका कतई तौर पर एक और वर्ल्ड कप था उसमें इमरान खान साहब पहुंच गए थे, इमरान खान साहब ने जाके भी टीम से बात किया, जिसमें उमर अकमल साहब झुक के बताने लगे कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, किसी का कोई काम नहीं है, हमें ये शौक होता है भाई, आप कहो कि जी मेरा काम नहीं, मैं आया हूँ, मिल मिला के सलाम किया, तस्वीरें खिंचाई, ये खत्म। लेकिन मैं बताऊँ आप इससे क्या कर रहे हैं, आप इससे चापलूसी का जो कल्चर होता है ना उसको फरोग दे रहे हैं, बेसिकली यू लेटिंग देम नो कि जी हम ताकतवर हैं और आप हमारे पास कल को मदद चाहिए हो तो लेने आ सकते हैं, तो फिर वो आ जाते हैं लेने के लिए आपके दर के ऊपर। देखिए वो तो जरूरी होता है ना, तरक्की भी तो करनी है ना, दुनिया में तरक्की होती है ऐसे ही, चापलूसी करके जनाब टाटा।